अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट लेके आया हूं, जिससे आप घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग कर सकते हैं और उसका विड्रॉ इसी पैसा और कैश कैश में ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन लाइक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर आपको रियल ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशन और वेबसाइट्स की वीडियोस और डिफरेंट टिप्स एंड टीस की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अपने चैनल को ज़रूर विजिट कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर भी कर लेना है। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो सिंपली आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद अगेन वही पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आई एम ह्यूमन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन होता है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है, जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था, और यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है, और यहाँ पे आई एम ह्यूमन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। मैं सिंपली यहाँ पे अपना डेटा इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं आई एम ह्यूमन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप आई एम ह्यूमन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिया जाएगा, आपने इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस कैप्चा को फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे इस कैप्चा को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस तरह का टिक का ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन को पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सक्सेसफुली आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा वेबसाइट का, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आपको बैलेंस आपका शो हो जाएगा TRS में। इस वक्त तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर बैलेंस 0.000 है, ठीक है। यहाँ पर मेरा बैलेंस बिल्कुल 00 है। तो यहाँ पे मैं आपको अर्निंग कैसे करनी है, उसका आपका विड्रॉ आपने कैसे लेना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको अर्निंग का मेथड यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे ओवरली फोकस्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओवरली फोकस्ड पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना और नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, आ जाना है, नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे आई एम ह्यूमन का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप आई एम ह्यूमन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैप्चा आएगा, आपने इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इस कैप्चा को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपने सिंपली यहाँ पे रिवॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रिवॉर्ड क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 0.02 RX आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस यहाँ पे 0.01 TRX हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप हर 48 आवर के बाद यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे बैक आके यहाँ पे दोबारा इसको यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे फिल करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ये अर्निंग का फर्स्ट मेथड था। सेकंड अर्निंग का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। तो सेकंड अर्निंग मेथड के लिए आपने सिंपली यहाँ पे आपको ओवरली फोकस्ड के साथ ही यहाँ पे बोनस फोकस्ड का ऑप्शन शो होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इसके सामने 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि यह 10 का मतलब क्या है। तो नीचे आ जाना है, सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 000 का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो आपका यहाँ पे स्पिन होगा। स्पिन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे TRX मिल गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा TRX यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेरा 0.002 हो गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको मैं
करेंगे, ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पे आपको 10 स्पिन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्पिन आपको मिल जाते हैं, 10 स्पिन करके आप यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सो सिंपल यहाँ पे 10 मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं अगेन नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मैं अगेन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे अगेन क्लिक करेंगे स्पिन होगा। स्पिन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 0.01 TRS यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे 10 मरतबा यहाँ पे स्पिन करके यहाँ से कॉइन TRS हासिल कर लेने हैं, ठीक है, अर्निंग कर लेनी है स्पिन करके यहाँ से। 10 टाइम आपने यहाँ पे स्पिन करके यहाँ से अर्निंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अर्निंग के मेथड का आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट अर्निंग का मेथड आपके लिए सिंपली आपने क्या करना है, ऊपर आ जाना है। ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइंस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पर आपको गेम्स का ऑप्शन शो होगा, तो सिंपली आपने गेम्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गेम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नीचे बेशुमार गेम्स आ जाएंगे, जिनको आप खेल कर यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं किसी भी एक पे क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे कॉइन यहाँ पे बढ़ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.02 थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.05990 TRX हो गए। इसी तरह आपने यहाँ पे मल्टी टाइम मतलब आके यहाँ पे गेम्स पे क्लिक करना होता है, कैश आउट पे क्लिक करना होता है, और गेम्स खेल कर भी आप यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डिफरेंट गेम्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेशुमार गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ पे खेल के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आप इन गेम को भी यहाँ पे खेल के अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अर्निंग का मेथड आपको बताता हूँ। नेक्स्ट अर्निंग के मेथड के लिए आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट अर्निंग के मेथड के लिए आपने अगेन यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने होम वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने होम पे क्लिक कर देना है, जैसे आप होम पे आएंगे दोबारा आप फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। फ्रंट पेज पे आने के बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक सर्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्वेज को कंप्लीट करके भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे टेक सर्वेज पे क्लिक करके सर्वेज को कंप्लीट करके भी यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको विड्रॉ का प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपने विड्रॉ कैसे लेना है। विड्रॉ के लिए आपने अगेन 3 लाइंस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपने 3 लाइंस पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप विड्रॉ का प्रोसीजर बताने से पहले आपको मैं फास्ट अर्निंग का मेथड बता देता हूँ कि आप यहाँ से फास्ट अर्निंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपको एफिलिएट्स का ऑप्शन शो होगा, तो सिंपली आपने एफिलिएट्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एफिलिएट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने सिंपली नीचे आ जाने के बाद यहाँ से आपने इस लिंक को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, डिफरेंट सोशल नेटवर्क पर इसको शेयर कर देना है। जो भी आपके इस लिंक से इस ऐप को ज्वाइन करेगा, अकाउंट क्रिएट करेगा, अर्निंग करेगा, उसकी अर्निंग का 25% कमीशन आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर रेफरल के थ्रू भी यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं विड्रॉ की तरफ। तो विड्रॉ कैसे लेना है, उसके लिए आपने गेन 3 लाइंस पे क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पे आउट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपने पे आउट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट प्रूफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ये सब पेमेंट प्रूफ हैं, ठीक है। तो अगेन आपने 3 लाइंस पे क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपने विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप TRX में आप यहाँ इसका विड्रॉ ले सकते हैं। TRX में यहाँ पे सिंपली आपने ट्रोन का आपने TRX एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, अमाउंट एंटर करनी है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपने विड्रॉ पे क्लिक कर देना है, तो आपका विड्रॉ यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम विड्रॉ आप यहाँ पे दे सकते हैं
15 TRX है मिनिमम विड्रॉ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 TRX है। जैसे ही आप फिर के 15 TRX हो जाते हैं तो आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, आपका ट्रॉन का TRX का एड्रेस यहाँ कहाँ से लेना है उसके लिए आपने सिंपली फोक्सट का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फोक्सट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसका उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। ठीक है, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने फोक्सट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने उस वीडियो को वाच करके फोक्सट का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपने फोक्सट, मैं अपना फोक्सट का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फोक्सट का अकाउंट यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने यहाँ से अपना पेमेंट एड्रेस यहाँ से कैसे ट्रॉन का लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना फोक्सट का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पे मैं 3 लाइंस पे क्लिक कर देता हूँ। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन यूज़र डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यूज़र डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपली डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन के पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बिटकॉइन का एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इथेरियम का एड्रेस आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डॉगी कॉइन का एड्रेस आपको मिल जाता है, लाइट कॉइन का एड्रेस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो हमें TRX का एड्रेस चाहिए तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से इस TRX एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बैग वेबसाइट पे वापस आ जाना है। ठीक है, अपने वेबसाइट पे वापस आ जाना है। कॉपी करने के बाद वो TRX का एड्रेस जो आपने फोक्सट पे वॉलेट अकाउंट से लिया था आपने सिंपली यहाँ पे इसको पेश कर देना है। पेश करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट डिटेल का लेनी है, जो भी आपकी अमाउंट होगी। ठीक है, जैसे ही आपकी अमाउंट यहाँ पे मिनिमम 15 TRX हो जाती है तो सिंपली आपने यहाँ पे TRX जितने भी होंगे आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये विड्रॉ लग जाएगा और 24 आवर के अंदर अंदर आपको ये विड्रॉ आपके फोक्सट आप वॉलेट में मिल जाएगा। और फोक्सट से आप इजीली इजी पैसा और जैश कैश में इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रियल ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशन और वेबसाइट्स की वीडियोज़ और डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।